अल्लाह एवरी वन होप्स आप सब ठीक ठाक होंगे आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूनियन एंड इंटरसेक्शन इट्स वेरी ईजी टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग इस वीडियो में हम लोग वन डायग्राम से देखेंगे कि यूनियन की वन डायग्राम किस तरह होती है इंटरसेक्शन की वन डायग्राम किस तरह होती है रिप्रजेंट किस तरह करते हैं ठीक है सबसे पहले हमारे पास क्या है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी दो सेट्स हम लोग लेंगे जब भी हम लोग ने यूनियन शो करना है तो उसमें दो सेट्स होंगे इंटरसेक्शन में भी हमारे पास दो सेट हो सकते हैं अब वो सेट एम टी भी हो सकते हैं और उनके अंदर कोई नंबर नंबर एलिमेंट्स या किसी चीज़ का सेट भी हो सकता है ठीक है ओके okay. उसको हम लोग तो रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी यहाँ पे जो ये यू शेप है ये यूनियन को शो करता है इसके अंदर क्या है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी दैट इज़ हमारे पास ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी हों और बी के एलिमेंट्स भी हों दोनों के एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम लोग कहेंगे कि वो यूनियन है अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग इस तरह करके लिख देंगे इसकी एक्ज़ाम्पल हम लोग ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में हम ये भी देख सकते हैं कि मेरे पास एक ए सेट है वन और टू बी सेट है टू थ्री फोर ठीक है इसमें से यूनियन क्या आएगा कि हम लोगों ने दोनों सेट के एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो ए में भी भी है और बी में भी है पहले एक सेट के एलिमेंट लिखे वन टू फिर जो बी सेट के एलिमेंट है टू टू हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया वह सेलमेंट ऐड नहीं करते तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री और फोर ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी हमारे पास वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो लेकिन कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो उसको हम लोग कहते हैं वो इंटरसेक्शन है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग इस तरह डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब कोई एक एलिमेंट एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करे एंड और बी से भी बिलोंग करे और वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ यहाँ पे एंड है मतलब उनका कॉमन एलिमेंट है लाइक like, अगर हम लोग यही वाली एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा वन सिर्फ इस सेट में इस सेट में नहीं है टू सिर्फ इसमें कॉमन एलिमेंट है तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटरसेक्शन बी जो है वो टू के इक्वल आ जाएगा ठीक हो गया उसके तो बाद हम लोग वेंडा एग्जाम से शो करते हैं ए यूनियन बी ए यूनियन बी में क्या है कि ये मेरे पास सेट ए है और ये सेट बी है ठीक है अब अगर ऊपर वाली एग्जांपल से देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया वन और टू वाला रीजन जो कि इसमें भी है और टू थ्री फोर ये बी वाला रीजन है ए यूनियन बी में क्या है कि पूरा सेट आ रहा है तो इसलिए ये सारा जो पार्ट है शेडिड ये हमारे पास किसको शो करेगा ए यूनियन बी को इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी को देखें तो ए हमारे पास क्या था वन और टू बी हमारे पास क्या है टू थ्री फोर और उनका जब तो हमने इंटरसेक्शन लिया तो जस्ट टू आ रहा था तो ये जो शेडेड हमारे पास रीजन है ये हमारे पास टू है और ये इंटरसेक्शन को शो करेगा थैंक यू सो मच